एक बच्चा है, उसने छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है, शायद कोई दाल है और चावल है, दाल चावल का स्टॉल लगाया हुआ है और ये सर्दी को दूर करने के लिए आग जला रहा है, छोटी सी अंगीठी रखी हुई है और ये बच्चा मेहनत कर रहा है और मैं देख रही हूँ कि वो किस तरह देखे, वो तेल डाल रहा है। सर्दी है और सर्दी से महफूज होने के लिए आग जला रहा है ताकि कोई भी मैच करता है इसको और अपने स्टॉल में बैठ कर ये है इंसान बेबसी। और ये बच्चे, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये हमारे माशरे के बच्चे हैं, हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनको पढ़ना चाहिए और इस उम्र में ये मजदूरी कर रहे हैं। बाहर सी बात है तो बच्चे बाहर निकल कर छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है मेरे बेटे ने, तो पापा क्या करते हैं? पापा यही काम करते हैं, काम बंद हो गया। अच्छा, अब ये दाल चावल लगाए हैं। तो पापा पहले क्या करते थे? वही काम करते थे जो फैक्ट्री का काम करते। तो फिर ये क्यों मजबूर हो गए ये ठेला लगाने में? वो फैक्ट्रियां बंद हो गई ना सारी। अच्छा, फैक्ट्रियां बंद हो गई। अच्छा, तो मेरा बेटा पढ़ता नहीं है? पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? 8th में। माशाल्लाह 8th में पढ़ते हो, क्या नाम है? मुजम्मल बेटा। अच्छा, तो ये जो आप लगाते हो ठेला, थोड़ा सा इससे घर का गुजारा हो जाता है? हो जाता है। इसके पापा बताया ना, माशाल्लाह मजदूर है। और पापा आपके मजदूर है? जब बारिश होती है पापा घर में बैठे रहते हैं। घर में बैठे रहते हो? तो फिर खाने को जो कल का सामान पड़ा होता है वो मैं सदके जावा, जो कल का सामान पड़ा होता है तो बारिश के मौसम में उससे गुजारा होता है। अच्छा बेटा, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए और अल्लाह पाक की तरफ से अपने अच्छे जैकेट लेना और पापा को कहना कि आप इसको ना और बढ़ा लें। हाँ जी, तो फिर मैं फिर दोबारा मिलूंगी आपके पापा से ना, मैं फिर मिलूंगी, ठीक है मेरा बेटा? और ये मेरे आप पापा को दे देना, ठीक है मेरा बेटा?